क्या कर रहे हैं यहाँ पर? बोल। क्यों रोता है? हाँ, पप्पा इतना कमजोर है क्या? कोई भी मार सकता उसे? अरे जिस दत्ता के पास तेरे जैसा दोस्त हो ना, उसे कोई नहीं मार सकता। मणि अन्ना, अन्ना ने पायलट को खरीदा तो समझा दत्ता की मौत खरीदा। वो कमीना पायलट जानबूझकर मेरे को जंगल के रास्ते चला था। हाथी कितना भी बैठ जाए ना मणि अन्ना, कदे से ऊंचाई होता है। तेरे अन्ना को समझा दे, तू तो अब तक समझ ही गया होगा। अन्ना तुझे नहीं छोड़ेगा लगता भाव, अन्ना तुझे नहीं छोड़ेगा। इन कुत्तों को इतनी समझ नहीं, इन लोगों लगा के दत्ता के लिए जाल बिछाए। खुद फंस गए जाल। मुझे पता था बाजी, अगर मैं अकेला निकलूंगा तो अन्ना के पिल्ले मेरे पीछे आएंगे। और देख, अपने जाल में फंस गई अन्ना की सबसे प्यारी मछली।
अब अन्ना का पिल्ला खुद अन्ना के पास हमें ले जाएगा। पहली बार मन कर रहा है कि उस नको की बात सच हो, भाव को कुछ ना हुआ। तुम भी आ गई उस नकुशा के बहकावे में। साबित क्या करना चाहती है वो? सावित्री है, भाव को तो वापस आना ही होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो हमारा ये राज खत्म हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब मैं पैदा हुई थी तो राज करने के लिए पैदा हुई थी। कुछ और ना सही, लेकिन मेरी किस्मत तो भाव को वापस जरूर ले आएगी। अरे भाव साहब आ गए। आ गया तू? कैसा है? मैं ठीक हूं। तेरा हाथ कैसा है? मैं भी ठीक हूं। भाव, जब से एक्सीडेंट की खबर आई है ना, घर में कोई भी चैन से नहीं बैठा। आखिर भगवान ने हमारी सुन ली। भगवान को तो हमारी सुननी ही थी, वरना नाराज नहीं हो जाते हैं मुझसे? आई साहब को तेरी सबसे ज्यादा चिंता है भाव, चला पहले उनसे मिल ले। कह दो उसे। कि हम नहीं मिलना चाहते उसे। हम नहीं मिलना चाहते दत्ता से। आई साहब माफ कर दो मुझे।
माफ कर दीजिए ऐसा। माफी का तो सवाल ही नहीं उठता। एक बार भी तूने नहीं सोचा अगर तुझे कुछ हो जाता तो हम कैसे जी पाते। हमारी सांसें अटक गई थी जब से। आई साहब, अन्ना को ढूंढना बहुत जरूरी था। मेरे सिवाय ये काम कोई नहीं कर सकता। वो कभी भी कहीं भी किसी पर भी हमला कर सकता है। इसीलिए मैंने किसी को भी ये बात नहीं बताई, मेरे आदमियों तक नहीं। लेकिन आपसे मैं वचन देता हूं, आइंदा से अपनी जान को जोखिम में नहीं डालूंगा। मलम भाई थे बाबा, तेरा काम ही ऐसा है। लेकिन क्या करे, हमारा दिल भी तो आई का दिल है ना। रहा नहीं जाता रे।